अरे खाइए कि नहीं है बाबू जी। हाँ अरे तो डीडी दूरदर्शन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि जो सिविल सर्विसेज का सपना हम देखते हैं, एक ऐसा मुकाम है ये जहाँ पे से एक ऐसे पावर्स मिलते हैं जहाँ से हम अपने समाज के लिए बहुत कुछ करने का जो इच्छा है उसको फलीभूत कर सकते हैं, उसको धरती पर उतार सकते हैं। जब कई लोगों को पीड़ित देखते हैं तो लगता है काश वो मेरे पास पावर होता और हम उनकी मदद कर पाते। आज लग रहा है कि शायद हम उस मुकाम पर हैं। अभी जाता है कि सफलता कभी भी किसी एक का योगदान नहीं होता, उसमें माता पिता, गुरुजन और खुद का सतत प्रयास, बाकी बाहर की बाधाओं से दूर होकर कंसंट्रेट होकर जो पढ़ना है यही सफलता का बहुत बड़ा रास्ता होता है। और सिलेबस के जो डिमांड है उसे हमने पूरा किया और एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए हमने बखूबी एग्ज़ाम्स में लिखा और आज निश्चित तौर पर आज का जो दिन है वो सिर्फ मेरे और सुमन के लिए ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार, मेरा समाज, मेरा गाँव और जो भी हमारे जितने भी गुरुजनों, स्नेहजनों और मित्रजनों हैं आज काफ़ी खुश हैं। और उन्हें भी यह विश्वास हो गया है यदि सटीक मार्गदर्शन, उचित समय और संयमित तैयारी की जाए तो सफलता मिलने में देर नहीं। कि आज मेरे घर इन लोगों को आने का मौका मिला। मेरे एक बेटी है और दो बेटे हैं जो तीनों लगनशील हैं, उनमें से ज़्यादा लगनशील मेरी बड़ी बेटी है जो आज ऐसे मुकाम पर पहुंची है जो अपने आप में एक काबिलियत महसूस करती है। हमें तो आज बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दे पाए हैं कि जो आज इस मुकाम तक पहुंच पाई है। हम लोगों ने बहुत कठिनाई और तपस्या के साथ तीनों को पाला है हमने, और पालते हुए हम लोग बहुत तरह की समस्याएँ झेली हैं, बड़े छोटों सबका मतलब ऊंच नीच सहते हुए आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और बेटी को इस मुकाम तक पहुँचाए हैं। इसमें बेटी से यही हम उम्मीद करेंगे कि आज का जो दौर चल रहा है, ये जो लेन देन इससे ऊपर उठ करके वो अपना कर्तव्य पूरा करे और इस चीज़ को ऐसे कर्तव्य को पूरा करे जिससे इसमें एक दाग तक ना आए। और मैं इससे यही उम्मीद करूँगी कि सारा चीज़ को, हर तपस्या, हर जैसी कठिनाई को झेलते हुए आगे चीरते फाड़ते अपने कर्तव्य। कर्म ही पूजा है, जो कर्म किया वो सबसे बड़ी पूजा है। छोटे बड़े, ऊंच नीच और असहाय लोगों की भी सहायता करने में ये सक्षम हो, यही हम दोनों माता पिता से इसको आशीर्वाद मिलते रहे और ये आगे बढ़ते रहे, हर मुकाम को, ये मंजिल को पार करते हुए हर इच्छा को पूर्ति करे। और हम लोग को भी इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग को मतलब और दुनिया के बीच में, इस मीडिया के बीच में बोलने का एक अवसर प्रदान किया है इस बेटी ने। बेटी जो झारखंड टॉप की है इससे मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मुझे क्या, मेरे टोले मोहल्ला, घर गाँव सबको महसूस हो रहा है कि गांव की बेटी है ने, एक मजदूर का बेटी यहाँ तक पहुँची। और क्या कहें, ये बच्ची इसमें इतना शख्सियत है कि इसको पढ़ने के लिए हम रोकते थे बच्चा से ही, इसमें पढ़ने का लगन इतना है कि इसको रोकना पड़ता था कि अब सो जा, अब खा लो, अब सो जा, लेकिन रुकती नहीं थी। और इसी तरह से दामाद भी ऐसे मिले हैं कि एक दूसरे, दोनों एक दूसरे का पूरक हैं, है ना, दोनों राय मशवरा करके और नमाज भी निकाले हैं और बेटी भी निकाली है। हम तो बेटी को आज तक बेटी माने ही नहीं, जब भी बुलाया हूँ तो बेटा कह के, बेटा कहाँ है तुम, सो जा बेटा, उठ जा बेटा, खा लो बेटा,
यही बोलते रहा हूँ, आज तक बेटी कभी कहा ही नहीं। झारखंड का नंबर वन एकमात्र संस्थान NIPM साई टावर फोर्थ फ्लोर सर्कुलर रोड।